हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। ये हमारा ब्लडी मूड का पार्ट टू है और आज हमारे सर्वर में आने वाले हैं बैज ड्रॉप। तो एक बैज ड्रॉप आ चुका है हमारा एयरपोर्ट पे और देखते हैं कि भाई दूसरा बैज ड्रॉप कहां पर आता है। भाई दूसरा आ गया हार्बर पे। अब जो एनिमी है हमारे, उनका बेस है हार्बर वाले ब्रिज के पास में। तो अभी जो है हम 3 मैका भेजेंगे हार्बर पे और 3 मैका लेकर जाएंगे हम एयरपोर्ट पे, क्योंकि उनके पास भी मैका है। क्योंकि जब हम सर्वर में आए थे तो इस सर्वर में काफ़ी सारे बेस वगैरह थे, लेकिन भाई तब हमारे पास मैका नहीं था और वो बंदे दो दो तीन तीन मैका लेके घूम रहे थे पूरे सर्वर में और सर्वर वाइप कर रहे थे। हमने 2-3 दफ़ा ट्राई किया उनको काउंटर करने का रेड पे, लेकिन भाई उनके मैका के होते हुए ना हम उन्हें काउंटर नहीं कर पाए और उन लोगों ने ना वो बेस रेड कर दिया और उसकी लूट भी उन लोगों ने उठा ली सक्सेसफुली। तो हम जो है ना मैका के बिना भाई कुछ भी नहीं थे। देन हमने डिसाइड किया कि भाई बैज तक अपने बेस को हम करेंगे डिफेंड, क्योंकि हमारे पास इतने कंपोनेंट्स वगैरह नहीं थे कि हम मैका बना लेते। हमने बैज तक अपने बेस को डिफेंड किया, यानी कि उस बंदे ने वो कह रहा था कि भाई तुम लोगों का बेस टाइटेनियम में है तो मैं साइक्लोनाइट ढूंढ रहा हूँ। अभी इंडियन ही था बंदा और मेरे टीममेट से अक्सर इसकी जो है ना वो बात होती रहती थी, यानी कि ऐसे ही चैलेंज देते रहते थे एक दूसरे को। तो उसने कहा कि मैं साइक्लोनाइट ढूंढ रहा हूँ, साइक्लोनाइट ढूंढ के मैं तुम्हारा बेस रेड कर दूंगा। हमने कहा ठीक है भाई ढूंढ लो साइक्लोनाइट। अब हमने जो बंकर बेस बना रखा था उसको हमने फुली अपग्रेड कर दिया और उसके बाद जो है वो हमने डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया और ये बंदा रेड भी नहीं करने आया। और हमने जो है वो बेस अपग्रेड वगैरह करके अपनी लूट जमा ली और जो है वो कंपोनेंट वगैरह जमा करने शुरू कर दिए हमने मैका के लिए। और अभी जो है वो हम तकरीबन 6 मैका बना सके हैं, क्योंकि 4 मैका जो थे हमारे वो लो कंपोनेंट वाले थे और जो 2 थे वो हाई कंपोनेंट वाले थे। तो इस वजह से हम जो है वो सिर्फ 6 मैका ही बना पाए हैं। तो अभी जब हम 3 मैका लेकर आ गए एयरपोर्ट पे और बाकी जो 3 मैका थे हमारे उनको हमने भेज दिया हार्बर पे। अब उन बंदों के पास भी मैका तो थे और मैका भी अंडर वाटर थे उनके पास, तो हार्बर पे तो वो ज़रूर जाएंगे और हो सकता है कि एयरपोर्ट पर भी आएँ। तो अभी जब हम हमारे यहाँ पर कैंप बनाते हैं और जल्दी से इसको अपग्रेड करते हैं और फिर चलते हैं ड्रॉप के पास। ड्रॉप अनलॉक कर दिया है विकास ने और पिगासस है ब्रेकअप के पास और ब्रेकअप गया है हार्बर पे, क्योंकि अगर मेरे टीममेट्स जो हैं वो सेव कर लेंगे बैज ड्रॉप को तो ब्रेकअप पिगासस पे बैज उठाकर आ जाएगा। क्योंकि अगर मैका पे आएंगे तो हो सकता है कि भाई वो ब्रिज ब्लॉक कर लें और वहां पर उन लोगों को काउंटर कर दें। तो इस वजह से मैंने उन्हें कहा कि भाई ब्रेकअप को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, ब्रेकअप पिगासस पर लेकर आ जाएगा बैज और तुम लोग मैका लेकर आ जाना। तो चलो अभी जो है हम जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट पे। अब विकास था एयरपोर्ट पे, यानी कि उसी ने बैज अनलॉक किया और उसने बताया कि भाई एयरपोर्ट पर कोई बंदा नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं देखता हूँ अगर एयरपोर्ट पर कोई नहीं आएगा तो मैं भी हार्बर जाऊँगा, क्योंकि हार्बर पे फाइट होने वाली है और हमें थोड़ा फन चाहिए। तो मैंने सोचा भाई मैं भी हार्बर पर जाऊँगा अगर यहाँ पर कोई बंदा नहीं होगा। तो चलो ड्रॉप का टाइम चेक करते हैं और इसके बाद ना हम निकलते हैं हार्बर के लिए। अभी ड्रॉप में 7 मिनट 40 सेकंड बचे हुए हैं और आई थिंक हार्बर में भी इतना ही टाइम बचा होगा। तो मैंने अपने टीममेट से कहा कि भाई तुम लोग वैसे भी मैका पर हो और यहाँ हो, अगर कोई बंदा आ भी जाएगा तो मैका के बिना ही आएगा हो सकता है। तो अगर वो लोग आए तो फिर भी वो सारे मैका लेकर तो यहाँ नहीं आने वाले, उनके 1-2 मैका ही आएंगे और फिर भी तुम्हारे पास 3 मैका हैं तो तुम आराम से उनको जो है वो किल कर सकते हो। देन मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं जाऊंगा हार्बर पे और मैं एयरपोर्ट से निकल जाता हूँ हार्बर के लिए। तो अभी जो है वो हमने हील शील्ड अपनी सारी उठा रखी है और भाई मैंने ना पेगासस के पीस मेकर भी उठा रखे थे, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि पेगासस मर जाता है और भाई उसके बाद ना जाना पड़ता है बेस पे एक कैंप पे उसको रिवाइव करने के लिए। तो मैंने अपने बैग में ही रखे हुए थे कि भाई अगर हम मर गए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा पेगासस मर गया तो उसको तो रिवाइव कर पाएंगे ना। अब मैं जो है वो मिलिट्री बेस जा रहा था, यानी कि हार्बर पे मिलिट्री बेस वाले आइलैंड पे। तो मेरे टीममेट्स ने बताया कि भाई एयरपोर्ट पर भी 2 मैका आ गए हैं। देन मैंने सोचा कि चलो भाई वापस जाते हैं हम एयरपोर्ट पे और जब एयरपोर्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम जाएंगे हार्बर पे। तो यहाँ मैं जा ही रहा था और वीसी पर था डाकू और डाकू ने मुझे बताया कि भाई 2 मैका आ गए हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पर भी। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं अभी एयरपोर्ट पे वापस आता हूँ और पहले हम जो है वो एयरपोर्ट को क्लियर करते हैं
जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मैं जाऊंगा हार्बर, और हो सकता है कि भाई हमारा जो हार्बर वाला ड्रॉप है ना वो पहले अनलॉक हुआ हो, क्योंकि हम इतनी दूर से गए हैं और मुझे ब्रेकअप ने बताया कि जब हम गए हैं ड्रॉप अनलॉक था। यानी कि मुझे उसने टाइम नहीं बताया, लेकिन उसने सिर्फ इतना बताया कि ड्रॉप अनलॉक था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ वाले ड्रॉप में कितना टाइम बचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो मैप के टाइम के हिसाब से है तो आई थिंक 6 मिनट या फिर 5 मिनट बचे हुए होंगे उसमें। तो जब मुझे डाकू ने कहा कि भाई एयरपोर्ट पर भी बंदे आ गए हैं, तो मैंने सोचा चलो भाई ब्रेकअप को मैं टीम में ले लेता हूँ, जो है वो थोड़ा सा पता रहेगा कि भाई बैज किसके पास है या कौन लेके जा रहा है, क्योंकि जब ब्रेकअप बैज उठाएगा तो पता चल जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा चलो भाई ब्रेकअप को टीम में लेते हैं और हम चलते हैं वापस एयरपोर्ट पे। हो सकता है कि भाई हमारा टीममेट कोई मैका में से निकल जाए, या फिर जो है वो उनके 2 मैका भारी पड़ जाए हमारे 3 मैका पे, कुछ भी हो सकता है भाई। देन चलो भाई जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट पे और देखते हैं कि भाई कौन से मैका हैं जो आए हैं यहाँ एयरपोर्ट पे। अब हमारे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले भाई जो मैका में से बंदे थे ना वो तो निकाल दिए थे डाकू ने बाहर, और अभी जो है उनका मैका बचे हुए हैं, तो चलो जल्दी से भाई इनके मैका भी फोड़ते हैं। और अभी यहाँ पर 2 ही मैका आए थे और आई थिंक हमारा 1 मैका दोबारा से मेरे पास ग्लिच हो गया, क्योंकि एक ही जगह पर खड़ा है वो और उसमें कोई बंदा भी नहीं है, और 3 मैका वैसे ही हमारे पूरे नज़र आ रहे हैं मुझे। चलो जल्दी से इनके जो मैका हैं वो फोड़ते हैं और फिर हम निकलते हैं भाई हार्बर के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो क्लियर हो गया है क्योंकि उनके 2 मैका यहाँ पर आए थे और वो दोनों हमने फोड़ दिए हैं। और अब जो है वो हार्बर वाला थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वहाँ पर हमारे तकरीबन 3 मैका गए हैं और हो सकता है कि भाई उनके जो बंदे हैं ना उन पे टैलेंट भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि लेजेंड घूस्ट है, तो हो सकता है कि भाई उन पे जो है ना थोड़ी मुश्किल आ जाए। तो हम चलते हैं हार्बर पे और देखते हैं कि भाई क्या बनता है। अब ये टैंक अलग से डैमेज दे रहा था भाई, टैंक भी नहीं फोड़ा हमने, क्योंकि जब बैच का लास्ट टाइम था तो हम जो है प्रिपरेशन में लगे हुए थे, यानी कि आर्मर वगैरह बनाना और एमओ वगैरह और रॉकेट शेल वगैरह बनाते हुए काफ़ी टाइम लग गया हमें, तो इस वजह से टैंक का भी टाइम था आने का और हमने फोड़ा ही नहीं। अब हम भी जो जाना टैंक और हेली फोड़ रहे थे रेगुलर, क्योंकि भाई हमने भी सोचा कि चलो भाई अगर वो बंदा भी ट्राई कर रहा है साइक्लोनाइट ढूंढने की तो हम भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि C4 से हम उसका बेस नहीं रेड कर सकते थे, बंकर बेस था और बहुत ज़्यादा C4 चाहिए थे हमें उसके लिए, और अगर हमें साइक्लोनाइट मिल जाता है तो भाई ये इजी हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई हम भी टैंक और हेली वगैरह फोड़ते हैं और ट्राई करते हैं भाई साइक्लोनाइट ढूंढने की। और मेरे जो टीममेट हैं वो रूम भी कर रहे थे रेगुलर और मैं भी कर रहा था। अरे भाई ये तो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं भाई साहब, जिनसे अभी अभी बैच छीना है हार्बर वाला, क्योंकि एयरपोर्ट पे इसके टीममेट आए थे और हार्बर पे ये गया था खुद 2 मैका लेकर, यानी कि एक इसका टीममेट था और एक ये गया था साथ में, तो अभी काफ़ी गुस्से में लग रहा है भाई। देखो इससे बैच तो छीन लिया मेरे टीममेट्स ने, लेकिन काफ़ी बैटल पे गरम गरम बातें कर रहा है, मुझे तो लग रहा है अभी आके हमारा बेस रेड कर देगा ये बंदा। यानी कि भाई गुस्सा होता है ना बंदे को कि बैच मुझसे ले गए तो मैं भाई इनका बेस रेड कर दूंगा। ओनली पैगा एंड RPG, हाँ हाँ भाई जब मैका होंगे तो पैगा क्या चीज़ है, मैका के सामने पैगा तो कुछ भी नहीं है भाई। अभी जो बैज है वो ATK के पास है और ब्रेकअप भाई उसके साथ साथ आ रहा है। ब्रेकअप को कहा था तुमने बैज उठाना है, और आई थिंक ब्रेकअप नॉक हो गया था जब बैज ओपन हुआ, यानी कि ब्रेकअप उठाने लगा और उनके बंदे ने ब्रेकअप को नॉक कर दिया, और मैंने ब्रेकअप से कहा भी था कि भाई तुम रिकॉर्डिंग कर लेना,
अरे ये क्या हुआ भाई, पिंग एकदम से हाई हो गया हमारा, 999 पे चला गया था पिंग, और मुझे एटी की एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नज़र आया। तो भाई अब ये बंदा बोल रहा है कि तुम लोग जागते रहना और 3 दिन बेस को गार्ड करना, अपने ब्याज को बचाना। तो हमने कहा भाई हम फ्रीली सो लेंगे, क्योंकि हम 5 बंदे हैं तो 2-2 बंदे आराम से जो है वो गार्ड कर सकते हैं बेस को, और वैसे भी नाइट में तो मैं ऑनलाइन होता ही हूँ, नाइट का ज़्यादा मसला होता है। अब जब एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं भाई हम बैज लेकर, और बैज जो था वो एटीके के पास था और वो मैका में जा रहा था, तो इस बंदे ने सोचा कि चलो भाई जाकर दोबारा से ट्राई करते हैं इनको मारने की। तो ये अपनी बुल चैरियट लेके दोबारा से पीछे पहुँच गया हमारे एयरपोर्ट के करीब आके, ना इसने थोड़ी कोशिश की काउंटर करने की। तो यहाँ पर हमारा जो है वो पिंग काफ़ी हाई चल रहा है भाई, जब से अपडेट आया ना यार तब से ये मसला चल रहा है कि एकदम से ना पिंग हाई हो जाता है। तो जब मेरा पिंग हाई होता है तब मैंने अपना नेटवर्क कनेक्शन भी चेक किया, लेकिन मेरा नेटवर्क कनेक्शन सही होता है, लेकिन भाई पिंग जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो अब इसकी मुझे समझ नहीं आई कि भाई क्यों ये सीन हो रहा है, और काफ़ी लैग्स भी हो रहा है अपडेट के बाद से। तो हो सकता है कि भाई नेक्स्ट अपडेट में ये फिक्स हो जाए, या फिर जब इसके लिए कोई अलग से अपडेट आए तो हो सकता है कि फ़िक्स हो जाए। अभी देखो भाई गाड़ी भी अटक अटक के चल रही है मेरे पास, यानी कि यहाँ पर अगर मैं जंप करूँ भी इन पे तो कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, इजी किल कर जाएंगे ये बंदे मुझे। अच्छा एक और बंदा भी था इसका यहाँ पर, इनके भी एक बंदा के पास पिगासस था, तो मुझे लगता है कि ये पिगासस वाला ही बंदा था जो यहाँ पर है और ये उसको उठाने आया है, और हो सकता है कि वो बंदा इनके ऊपर ऊपर ही आया हो और मैंने ना देखा उसको। भाई काफ़ी हेल्थ लो कर दी हमारे पिगासस की, अभी भी डैमेज दे रहा है। थोड़ा सा दूर जाते हैं इससे और इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं हमारे पिगासस को, और फिर चलते हैं इनके पीछे पीछे। आई थिंक रुके हुए हैं, तो ट्राई करते हैं भाई इनको आरपीजी देने की। अरे चल गया, थोड़ा सा लेट हो गए हम, और भाई काफ़ी देखो रीलोड ही नहीं हो रहा, आरपीजी रीलोड ही नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे चलते हैं इनके पीछे और देखते हैं कि भाई क्या करते हैं ये लोग। अब बैल से कुछ देर बाद ही भाई इन लोगों ने बनाने स्टार्ट कर दिए सुपर ओर, तो मैंने सोचा भाई इनको ना शायद साइक्लोनाइट मिल गया इस वजह से ये लोग सुपर ओर बनाना स्टार्ट हो गए। तो अभी मेरे आने से पहले भाई ये लोग जो है ना वो 3 सुपर ओर बना चुके हैं, और मैं दोबारा से आ जाता हूँ इनके बेस पे, यानी कि वहाँ से मैं बेस से जब तक इनके बेस पे पहुँचा हूँ तो इन लोगों ने 3 सुपर ओर बना लिए, और चौथा भाई जब मैं आता हूँ यहाँ पर तो तब बनाते हैं। और मैं आरपीजी अपने साथ लेके आया हूँ फ्लैश, तो मैंने सोचा चलो भाई इनको जो है ना वो मारने की कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि ये बंदा जो है ना अपना सुपर ओर माइन कर ले पूरे का पूरा, तो इसको फिर किल करूँ, क्योंकि ये इनका बेस है और इनके बेस पे मैं इनको किल करके सुपर ओर तो भाई उठा नहीं सकता। तो अगर ये माइन कर लेगा पूरे का पूरा और फिर हम कोशिश कर सकते हैं इसको मारने की, तो अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे कि ये बंदा भाई अपना पूरे का पूरा सुपर ओर माइन कर ले। और भाई ये ग्लिच भी है, सुपर ओर नज़र नहीं आ रहा, मैप में शो हो रहा है मुझे, देखो पर्पल सा करके नज़र आ रहा है मैप में मुझे, और ये बंदा देखो सामने तोड़ भी रहा है यानी कि माइन भी कर रहा है, लेकिन भाई नज़र नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ा सा रुकता हूँ, और आई थिंक टूटने ही वाला होगा इसका सुपर ओर, तो हम यहाँ पर रुककर थोड़ा सा, अरे भाई काफ़ी डैमेज दे दिया मेरे पिगासस को। अच्छा एकदम से ज़्यादा डैमेज मिला तो इस वजह से वो स्मोक बन गया।
चलो निकालते हैं हमारा फ्लैश और इसको देने की ट्राई करते हैं। अभी ये हैं तो तीन चार टीममेट, यानी कि दो ऊपर खड़े होकर गार्ड कर रहे हैं और एक नीचे माइन कर रहा है। अरे भाई, मैंने अपना फ्लैश निकाला ही था सेफ में से और इस बंदे ने मुझे पेगासस से उतार दिया। अरे भाई ले गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भाई इन लोगों के सुपर और देख कर ना मेरा कुछ जो है ना वो मन किया कि भाई इनको रेड करें, लेकिन मेरे टीममेट्स ने कहा कि नहीं भाई, जब तक अब हमें साइक्लोनाइट नहीं मिलेगा तब तक हम इनको रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने C4 जो है ना वो नहीं बना सकते कि भाई इनको रेड करें। क्योंकि आपको पता है भाई ब्लडी सर्वर में हमने किया भी जंप है और ई पार्ट्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी फार्म करने पड़ेंगे, तो हमने जो फार्म किए हैं उनके हिसाब से हमने जो है वो कुछ C4 बना रखे हैं तकरीबन 150 के करीब। लेकिन अगर हमें इन्हें रेड करना है तो हमें साइक्लोनाइट चाहिए होगा, क्योंकि तकरीबन अगर 120 या 130 साइक्लोनाइट होंगे ना तो आराम से इनका बेस रेड हो जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम में कर रखा पूरा बेस इन लोगों ने, तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि भाई। अरे भाई टेस्ला, अरे ओपन में टेस्ला लगा रखी, जैसे ऐसे कौन लगाता है, वह नूब ब्रो। उसके बाद भाई हमें मिल गया साइक्लोनाइट, रूम फार्मिंग वगैरह किए, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। विकास जो है वो दिन में रूम कर रहा था और सुबह 8 बजे के करीब इसको मिल गया साइक्लोनाइट, तो इसने ग्रुप में फ़ोटो भेजा और बोला कि भाई साइक्लोनाइट मिल गया। मैंने सोचा अब तो भाई गुड हो गया। हमने भाई उठाए अपने बॉम्ब और साइक्लोनाइट वगैरह बनाए, हमने सब कुछ रेडी किया और मैंने अपने दो फ्रेंड्स को बुलाया रेड में हेल्प के लिए, क्योंकि ये बंदे भाई ऑनलाइन ही रहते थे, तो मैंने सोचा चलो भाई दो फ्रेंड्स को बुला लेता हूँ। तो मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि चलो भाई इनको रेड करने चलते हैं, अब टाइम है इनको वाइप करने का, और इनको वाइप करके भाई सुकून से जो है वो हम भी एक दो दिन गुजारें, क्योंकि नेक्स्ट हमारा बैज हंटर भी आने वाला है, तो हमने सोचा भाई बैज हंटर ज्वाइन करेंगे जब इनको वाइप कर देंगे सर्वर से, तो एक आधे बंदे को छोड़ देंगे यहाँ पर सर्वर में गार्ड करने के लिए। तो चलो भाई अभी जो है वो बॉम्ब वगैरह हम निकाल के हमारे यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि रेड भाई ABC करने वाला है अभी से। देखो मैंने पहले सोचा था कि भाई रेड मैं करूँगा और जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो भाई मेरी पिंग ऐसे झटके मारती है ना जैसे कि ठुमके लगाती होती है ना कोई बार में गर्ल, ऐसे ऐसे मेरी पिंग यहाँ पर ठुमके लगा रही थी। तो मैंने ABC कहा कि भाई तुम ही रेड करो, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो नेटवर्क है ना वो भाई साथ नहीं दे रहा है। पता नहीं नेटवर्क का मसला है कि गेम का मसला है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ पर मैंने बॉम्ब जो थे सारे वो दिए मैंने ABC को, और कुछ मैंने रख लिए हैं बचाकर अपनी कैट में, तो हम बॉम्ब यहाँ पर रखते हैं इस बॉक्स में जल्दी से, और फिर हम चलते हैं भाई, चल के देते हैं कवर ABC को, और ABC को कहते हैं कि भाई तू रेड ठोक दे इनको। अब जो साइक्लोनाइट थे वो मैंने दे दिए थे डाकू को, और डाकू के दो सेफ थे, और बाकी जो 60 थे वो मैंने दिए हैं ABC को, और अभी जो हमारे ब्रेकअप भाई हैं उनके पास भी एक कैट है साइक्लोनाइट की, तो यानी कि अगर हमारे साइक्लोनाइट कम पड़ गए तो हम उनसे भी ले सकते हैं कि हमारे साथ ही खेल रहे हैं वो। तो चलो भाई जल्दी से जो है वो रेडी होते हैं। आई थिंक डाकू ने उनके टेस्ला पहले ब्रेक कर दिया, यानी कि मैं यहाँ पर पहुँच रहा था और सामने ही था मैं, और मुझे RPG नज़र आया क्योंकि डाकू के पास पेगासस है और वो हमसे पहले ही पहुँच गया, और हम आए हैं मैका पर, तो डाकू ने मेरे आने से पहले ही उनके टेस्ला उड़ा दिए। तो अभी वो बंदे भी ऑनलाइन ही हैं, और भाई गोलियां शोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थी, यानी कि काफ़ी ख़तरनाक काम हो रहा था। तो हम जो है वो अपना बैग खाली कर लें यार, इन चीज़ें एक टाइम में बंदा चला तो सकता नहीं है। बॉम्ब ABC भी पूरे नहीं लेकर गया, और हैंडमेड को तो भाई हाथ भी नहीं लगाया उस बंदे ने, यानी कि हैंडमेड की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। हैंडमेड हमने पहले बनाए हुए थे, यानी कि जब हम सर्वर में आए तो तब हमने हैंडमेड बनाए थे, और उसके बाद जो है वो हमें हैंडमेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वही हैंडमेड जो थे तकरीबन 100 के करीब या 120 वही थे, और उसके बाद हमने जो है वो तकरीबन 120 के करीब C4 बनाए थे, और फिर हमें मिल गया साइक्लोनाइट, और हमने फिर दबा के की फार्मिंग और सारे साइक्लोनाइट बना लिए। तो चलो भाई अभी जो है वो ABC ने रेड स्टार्ट कर दिया, आई थिंक नहीं अभी नहीं स्टार्ट की, तो चलो जल्दी से हम चलते हैं भाई रैंप पे, और यहाँ से हम कवर देंगे ABC को, और ABC करेगा रेड। ABC ने आई थिंक एक वॉल उनकी ब्रेक कर दी है, चलो देखते हैं।
यहाँ पर ब्रेकअप भी कह रहा था कि भाई मैं रेड करूंगा, तो मैंने कहा भाई करो, मैंने कहा रोका है करो, लेकिन भाई ब्रेकअप का भी आई थिंक कुछ सीन नहीं बना रेड का, और फिर वो भी चुप करके खड़ा हो गया और ABC ही बॉम्ब लगा रहा था। Follow me.
Follow me. Thank you.